बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिग क्लैश तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लैश होने वाला है 1 दिसंबर को, उसका डंका बड़ी जोर से बज चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर को 2 मूवीज एक साथ रिलीज होने वाली है। एक मूवी ऐसी जो रियल स्टोरी पर आधारित है, जो कि देशभक्ति से जुड़ी हुई है, और दूसरी एक पिता और पुत्र के प्यार के बीच की कहानी। मैं बात कर रही हूँ एनिमल और सैम बहादुर की। सैम बहादुर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हो चुका है, लेकिन आज रिलीज हुआ है एनिमल का ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद मेरे तो छक्के ही छूट गए। देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई फाइनली इतने सालों बाद जिस रणवीर कपूर को हम मिस कर रहे थे, वो कमबैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आफ्टर संजू एनिमल में रणवीर कपूर ने जो परफॉर्मेंस की है, लाजवाब, जवाब ही नहीं है। मगर बस डर इस बात का है कि मूवी को मिल चुका है ए सर्टिफिकेट, और मूवी के साथ साथ ट्रेलर को भी ए सर्टिफिकेट के साथ ही लॉन्च किया गया, यानी अब मूवी को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही इंजॉय कर सकते हैं। और ए सर्टिफिकेट मिलने का कारण इस बार कोई अडल्ट सीन या कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि खुखार सीन है। इतने सारे एक्शंस और इतने सारे खूनी दरिंदे वाली हरकतें की गई हैं कि उसको देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने मूवी को ए सर्टिफिकेट दे दिया है। फिलहाल एनिमल रणवीर कपूर की सबसे लंबी मूवी होने वाली है अब तक की, क्योंकि मूवी का टोटल ड्यूरेशन है 3 घंटे 21 मिनट 23 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितनी भी रणवीर कपूर की मूवीज आई हैं, वो इतने लंबे ड्यूरेशन तक नहीं रही हैं, और जो ट्रेलर है वो भी काफी लंबा है, पूरे पूरे 3 मिनट का। तो इस बार एनिमल बहुत तैयारी के साथ मार्केट में उतरने को रेडी है। और अब मैं बात करती हूँ ट्रेलर की। तो ट्रेलर की जब स्टार्टिंग होती है, तो उसी से पता चल गया कि एक बाप और एक बेटे के बीच के जो इमोशंस हैं, उससे जुड़े हुए चीज़ें हमें पता चलेंगी। रणवीर कपूर को अपने पिता की हरकतों से नाराज होने की बजाय और ज़्यादा प्यार हो जाता है। एक ऐसा बाप जो बच्चों के बचपन को जीना छोड़कर पैसे कमाने के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या मिस किया, तब तक उनका बेटा एक जानवर बन चुका है। लेकिन उस बेटे को अपने बाप के टाइम ना देने पर कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि वो अपने पिता को अपना आइडियल मान चुका है, और वो उनके लिए किसी और की जान भी ले सकता है और अपनी जान भी दे सकता है। एक ऐसा सीन आता है जिसमें अनिल कपूर को गोली लग जाती है, और जब अनिल कपूर को गोली लगती है, तो रणवीर कपूर इतने पागल हो जाते हैं कि वो पूरे के पूरे सिटी को उड़ा देते हैं। वो अपने अंदर से ऐसा जानवर बाहर निकाल के लाते हैं जिसकी कल्पना करना तो शायद हम सबने छोड़ दिया था। खतरनाक मूवी है, खतरनाक एक्शंस हैं, खतरनाक फाइट सीन्स हैं। अब आप लोगों ने ए सर्टिफिकेट से तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भाई इतना क्या खुखार भर दिया कि सेंसर बोर्ड ने एक्शन को लेकर ए सर्टिफिकेट दे दिया है। बॉबी देओल ने जो एक्टिंग करी है, आफ्टर सो लॉन्ग आश्रम के बाद बॉबी देओल का जो ये रूप देखने को मिला है, वो भी A1 है। सबकी एक्टिंग बेस्ट लेवल पे की गई है। रणवीर कपूर का हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन सीन, हर एक इमोशन काफी ऑन पॉइंट है। बस अब इंतजार है तो 1 दिसंबर का, जब ये मूवी थिएटर में आएगी और सैम बहादुर के साथ टक्कर देकर रिलीज होगी। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोगों ने ट्रेलर देखा या नहीं, और अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग अब कंफ्यूज हो जाओ कि आपको 1 दिसंबर को कौन सी मूवी देखनी है। मैं तो फिलहाल अभी ट्रेलर देख के सोच चुकी हूँ, हो सकता है एनिमल 100% टक्कर दे सैम बहादुर को। आप लोगों को क्या लगता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।